कानपुर में हुई बड़ी घटना के बाद अब सायहापुर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। यहां पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 65 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इन सभी के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरनजीत सिंह और अब शुरुआत करेंगे सायहापुर के खास बुलेटिन की। जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यहां अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब सहित 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 173 लीटर अवैध कच्ची शराब और 2 शराब भट्टी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज दिया है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ताश के पत्ते और नकदी बरामद हुई है। आपको बता दें कि थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 330 रुपए बरामद हुए हैं। थाना तेलहर पुलिस ने भी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 280 रुपए बरामद हुए हैं। वाया पुलिस ने भी 3 जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने सबसे ज्यादा 620 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हुई झमाझम बारिश के बाद जैतीपुर से तिलहर की ओर जाने वाली सड़क कई जगह तालाब में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि इस पूरी सड़क में कई जगह पर भारी गड्ढे हैं और आज हुई बारिश से उन गड्ढों में जलभराव हो गया, जिसके चलते सड़क तालाब में तब्दील हो गई। फिलहाल गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात से हो रही बारिश के बाद कस्बा गंगसरा के कई घरों में पानी भर गया। घरों में पानी भरने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। जलभराव होने से घरों में रखा गृहस्थी का सामान भी पानी में डूब गया। दरअसल बीती रात से हो रही बारिश की वजह से गांव के किनारे बना तालाब उफान पर आ गया और पानी घरों में घुसने लगा। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी का ठीक से निकास न होने की वजह से पानी उनके घरों में घुसा है। नेशनल हाईवे 24 पर मीरानपुर कटरा और बिलपुर के मध्य पड़ने वाला हुलास नगरा फाटक कल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। आपको बता दें कि इस दौरान रेल पथ की हाइट गेज रिपेयर करने का कार्य किया जाएगा, जिस कारण सड़क यातायात बाधित रहेगा। यह जानकारी रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने दी है। आज हुई हल्की बारिश के बाद तेलहर का विकासखंड कार्यालय तालाब में तब्दील हो गया। विकासखंड परिसर में पानी भर जाने से यहां कर्मचारियों और आने जाने वाले फरियादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव होने से यहां आने वाले लोगों में भारी रोष व्याप्त हो रहा है। आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने नगर निगम के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने हनुमत धाम गेट के पास निर्माणाधीन नाले के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गति लाई जाए और निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूरा किया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने बंका घाट स्थित निर्माणाधीन पुलिया का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन पुलिया के निर्माण कार्य को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं ब्रजविहार कॉलोनी के पार्क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। फिलहाल जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन कर दुकानें खोलने वालों के खिलाफ थाना सदर बाजार पुलिस और जैतीपुर पुलिस ने 2-2 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुआया और कुडार पुलिस ने भी नियमों का उल्लंघन कर दुकानें खोलने वाले 4-4 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हुई बारिश के बाद कस्बा सिंधौली में भी सड़क पर पानी भर गया, जिसके चलते सड़क तालाब में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि सिंधौली कस्बे में पेट्रोल पंप के सामने हाईवे में भारी गड्ढे हैं, जिनमें अक्सर जलभराव हो जाता है। आज हुई बारिश के बाद इन गहरे गड्ढों में पानी भर गया, जिसके चलते वहां निकलने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खास बात यह रही कि यह हाईवे सायहापुर से पुआया खुडार होते हुए पलिया की ओर जाता है। जनपद में लगातार वृक्षारोपण अभियान जारी है। आज गड़िया रंगीन थानाध्यक्ष राजेश बाबू मिश्रा और क्षेत्र के युवाओं ने थाना परिसर में वृक्षारोपण किया।
थानाध्यक्ष ने लोगों से एक एक पेड़ लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के साथ साथ उनको संरक्षित भी करें। नियमों का उल्लंघन कर दुकानें खोलने वाले व्यापारियों के खिलाफ रौजा पुलिस भी सख्ती से पेश आई है। यहां पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। वहीं थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने भी 3 व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। तिलहर के नेशनल हाईवे से सटी चेयरमैन कॉलोनी में सड़कें न होने के चलते आज हुई बारिश के बाद जलभराव हो गया। इस दौरान यहां से गुजर रहे स्थानीय नागरिक राघवेंद्र सिंह चौहान की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई, जिससे राघवेंद्र को मामूली चोटें आईं। जलभराव होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप रहा है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने नगरपालिका चेयरमैन से कई बार सड़क निर्माण कराने की मांग भी की है। कटरा पुलिस ने अनलॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर दुकानों को खोलने वाले व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीती रात से हो रही बारिश के बाद जैतीपुर क्षेत्र में एक विद्युत पोल टूट गया है। पोल टूटने की वजह से करीब आधा दर्जन गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। यह पोल जैतीपुर से तिलहर की ओर जाने वाले मार्ग पर श्री महेंद्रपाल सिंह शांति देवी इंटर कॉलेज के पास टूटा है। गनीमत यह रही कि सड़क किनारे टूटा यह पोल सड़क की ओर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।